कपूर और एकता कपूर की जोड़ी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल। आइए जानते हैं इनकी रिलीजिंग डेट। वेल, बॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी होती है जो कि रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में रहती है। ऐसी ही एक थी वीरे दी वेडिंग। इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था। करीना कपूर और सोनम कपूर की इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब इस फिल्म के मेकर्स ने कई नई मूवीज लाने का प्लान किया है। जी हाँ, एकता कपूर और रिया कपूर ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। रिया कपूर और एकता कपूर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी हुई और भी जानकारी। करीना कपूर और सोनम कपूर की साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म वीरे दी वेडिंग के सफल होने के बाद मेकर्स ने एक नई फिल्म लाने का फैसला किया है। रिया कपूर और एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काम करना भी शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एकता कपूर और रिया कपूर की अपकमिंग फिल्म का डायरेक्शन राजेश कृष्णन करने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में आपको करीना कपूर खान, तब्बू, कृति सेनन और दिलजीत दोसांझ अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले हैं। आपको बताते चले कि इस फिल्म को अनिल कपूर फिल्म कम्युनिकेशन नेटवर्क और बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के बैनर के तले बनाया जा रहा है। इस फिल्म को 22 सितंबर 2023 को रिलीज किया जाएगा। रिया कपूर और एकता कपूर की अपकमिंग फिल्म के नाम को लेकर भी काफी चर्चा है। मीडिया के रिपोर्ट्स में माने तो इस फिल्म का नाम द क्रू बताया जा रहा है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स के दावा है कि रिया कपूर और एकता कपूर ने फिल्म के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। रिया कपूर और एकता कपूर की इस फिल्म की कहानी को लेकर भी कुछ अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में आपको तीन औरतों की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, आखिरकार क्या कुछ होगा इस फिल्म में एक्साइटिंग? वेल, देखना होगा बेहद ही ज्यादा दिलचस्प। आप रिया कपूर और एकता कपूर की इस अपकमिंग फिल्म के लिए हैं कितने एक्साइटेड? डू लेट अस नो।